जियो ने हाल ही में अपने जियो फाइबर ग्राहकों को कुछ नए प्लान संग अनलिमिटेड डाटा देने का ऐलान किया है। जियो के इस प्लान के पश्चात अब एयरटेल ने भी अपने एक्सट्रीम फाइबर प्लान के अपडेट कर दिए हैं तथा अनलिमिटेड डाटा ऑफर भी प्रारंभ कर दिया है। जियो के सबसे सस्ते ब्रॉडबैंड प्लान का दाम 399 रुपये और एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के सबसे सस्ते प्लान का दाम 499 रुपये है। आइए जानते हैं दोनों प्लान में कौन है बेस्ट। एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के तहत 499 रुपये का नया प्लान लॉन्च किया गया है जो कंपनी की वेबसाइट पर भी नज़र आ रहा है। इस प्लान में एयरटेल अपने ग्राहकों को अनलिमिटेड इंटरनेट और कॉलिंग प्रदान कर रहा है। इस प्लान में 40 Mbps की गति से इंटरनेट प्राप्त होता है। अति इस प्लान में आपको एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर 4K टीवी बॉक्स भी प्राप्त हो रहा है जिसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर ग्राहक से केवल 1500 रुपये देने होंगे तथा यह राशि भी रिफंडेबल है। इस प्लान में 10,000 से ज़्यादा फिल्मों संग 7 OTT एप्स और 5 स्टूडियो का एक्सेस भी प्राप्त हो रहा है। अब आइए जानते हैं जियो के 399 रुपये वाले प्लान के बारे में। बता दें कि जियो के इस प्लान में भी अनलिमिटेड डाटा तथा अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रहा है। साथ ही इसमें किसी OTT का सब्सक्रिप्शन नहीं मिल रहा है। तो कुल मिलाकर अगर आप कम गति में सिर्फ इंटरनेट चाहिए तो जियो फाइबर का प्लान आपके लिए सबसे अच्छा है। किंतु अगर आपको अधिक गति संग OTT प्लेटफॉर्म का भी एक्सेस करना है तो एयरटेल का प्लान आपके लिए एक परफेक्ट हो सकता है। तो यह थी पूरी जानकारी इन दोनों एक्सट्रीम फाइबर और गीगा फाइबर के प्लान के बारे में। अब कमेंट बॉक्स में आप बढ़िया सी कमेंट लिखें कि आपको कौन से कंपनी का प्लान ज़्यादा पसंद आया है। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को पूरे जोर से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले वीडियोस के सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहे।